ओके okay. सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी एंड हाँ मनीषा, कोई डाउट है क्या? आपके हैंड रेस किया है, एड्रेस किया है सर। मोशन एंड प्लेन मनीषा, यही लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सर। आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही बेटा, आपकी वॉइस बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है सर। वो मोशन एंड प्लेन के बाद हम ये वाला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और किसी को आवाज सुनाई दे रही है क्या मनीषा की? ये मोशन एंड प्लेन के बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मोशनल प्लेन हमने एनएलएम एनएलएम किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम ये वाला चैप्टर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किया था इससे पहले, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद वैसे फ्रिक्शन भी हुआ था, वो फ्रिक्शन भी उसी का पार्ट है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है हमारा फ्रिक्शन। ओके ओके तो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें वर्क के बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा जो वेटेज है इसका वेटेज अगर मैं बात करूं 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 21 में 3, 20 में ये पूरा वेटेज लिखा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन ये हो क्या रहा है, फट जाता है वहां से, वन क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। तो आप इसका वेटेज देख सकते हो, अगर 2 क्वेश्चन हो गए मतलब 8 मार्क्स, 3 क्वेश्चन हो गए तो 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। तो चैप्टर काफी अच्छा है, इजी भी है, लेकिन इजी तब है जब आप फ्रिक्शन एनएलएम M1D M2D सारा अब तक पढ़ा है, जब सब अच्छे से आता होगा तो बहुत इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी उसके। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या, वर्क क्या होता है भाई, क्या होता है वर्क? अरे काम, काम करना ही ना होता है वर्क, है कि नहीं? यस सर। इसकी लैंग्वेज में कुछ वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग। फिजिक्स क्या बोलती है, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक फिजिक्स नहीं मानेगी कि आपने कोई वर्क किया है, आपने कोई वर्क किया है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि जो आप, जैसे मैंने मुझसे बोला कि ये पेन यहां पर रखा हुआ है, यहां से उठा के यहां पर, ठीक है, मैंने मेरा ये पेन था, पेन का मास या वेट उसको उठाया यहाँ पे रखा तो मैंने कुछ काम किया। लेकिन अगर मैं लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहा हूँ, जो बीच वाला दिख रहा है आपको लैपटॉप पर बैठ के, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, उसका तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे फर्स्ट वाला ब्लॉक, ब्लॉक को पीठ पर लेके बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमारा वर्क एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा फर्स्ट और सेकंड केस में जीरो है। देखो ये यहीं पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा ये बंदा, ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपका जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके द्वारा वर्क डन जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इसके द्वारा भी वर्क डन जीरो है, मतलब जितने भी आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं उनके द्वारा किया हुआ काम जीरो है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये इस ट्रे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो इसका वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका वर्क डन है, इसने कुछ काम किया। अब हम आते हैं सबसे पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? देखो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द डिपेंडेंट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द,
यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है और फाइनल में कहां पे है, यहां पे है। तो वर्क डन उस कंजर्वेटिव फोर्स उन फोर्सेस को बोलेंगे जिनका वर्क डन ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे है, एंड फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। किस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया है यहां तक, इससे गया है, इससे गया है, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। हरी बात समझ में है। यस सर। और जो पाथ पे डिपेंड करे, जो पाथ पे डिपेंड न करे उनको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड करे उनको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। देखो एक चीज याद रखना, यहां पे नॉन आया है मतलब नहीं आ रहा है, मतलब पाथ पे डिपेंड करना है, और यहां पे नहीं आया है, नहीं आया है इसका मतलब इसको पाथ पे डिपेंड करना है, सॉरी नहीं करना है, नहीं दोनों में आना ही आना है। इसमें नहीं ऊपर आ गया है तो नीचे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आया है तो यहां पे नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो जो कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं ना करता। हो, और नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड हो उनको हम बोलेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इंडक्शन फोर्स, साइक्लोट्रॉन फोर्स। तो ये सारे फोर्स किसके हैं, नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आगे पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स जो आप पढ़ के आ चुके हो 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप पढ़ के आ चुके हो 12th में, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए आप 12th में पढ़ के आ चुके हो, ये सारे के सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। किसी क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता, उसमें कुछ वर्क डन जरूर होगा। आई बात समझ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस समझ में आया। यस सर। अब हम आते हैं मेन डिफाइन वर्क, वर्क क्या होता है। जैसे मान लो कोई ए से बी तक कोई डस्टर है, इस डस्टर को मैं ए से बी तक ले जा रहा हूं, यहां से ले गया, फोर्स लगाया, मैंने बी तक पहुंच गया। क्या ए से बी तक ले जाने में मैंने कुछ काम किया होगा, बोलो क्या यस सर। होगा ना। यस तो सर। बोलू कि जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली में क्या होता है, मान लो अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, मान लो इस पे कोई इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई कर दिया, इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा ये जो डस्टर है वो दौड़ेगा किसकी वजह से, कॉस कंपोनेंट की वजह से, यस और नो भाई, यस कॉस सर। दौड़ेगा ना। तो आप देखोगे अगर मैं बोलू कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगर आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता था, ए ए बी बी साइन सॉरी थीटा। सॉरी ए बी साइन थीटा होता ना, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता ए बी ना कॉस थीटा। थीटा। तो क्या मैं बोल दूं कि ये एफ एंड एस के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, एफ एस कॉस थीटा। यस अगर मैं बोलूं कि तो मेरा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। यस तो अच्छा एक चीज और, अगर मेरे यहाँ पे एंगल चेंज हो तो मान लो 90 थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमम कॉस 90 की वैल्यू वर्क क्या होती है, कॉस जीरो 90 की होगा। वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर मेरा थीटा 0 डिग्री हुआ तो मेरा वर्क डन यहाँ पे क्या हो मैक्सिमम जाएगा, वर्क जीरो हो ऑन जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, मेरा और मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। और थीटा इक्वल टू अगर अदर देन कुछ हुआ, 180 हुआ कुछ हुआ, तो बात की बात है, अभी मिनिमम और मैक्सिमम हमने देख लिए। क्लियर है यहां तक, अभी एक बार और देखेंगे वैसे हम। तो अब हम आते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू द स्केलर डॉट, मैंने बता ही दिया आपको डॉट प्रोडक्ट होता है। जरा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो जरा,
अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज इन अ वर्टिकल प्लेन. ए बी इज अ वर्टिकल डायमीटर. द वर्क डन मूविंग अ मास ऑफ एम अलोंग द पाथ ए सी बी. ए से स्टार्ट हुआ है, बी पे पहुंचा है बाया सी. तो उसने पूछा कितना वर्क करेगा ऑब्जेक्ट, कितना वर्क करेगा. सर ऑप्शन ऑप्शन ए आ रहा है किसी का, ठीक है. और किसी का कुछ है? नहीं. बी आ रहा है, ठीक है. एक बच्चे का बी भी आया, एक का ए आया, दो तो बच्चों का आंसर आया. और किसी का अदर देन टू? ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. देखो अपन का एक बात बताओ कि मास एम है किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मास एम लग रहा होगा, मास एम लग रहा होगा ना, तो इसका क्या होगा, वेट भी होगा. मास मतलब वेट होगा ना, यस और नो? तो इसको अगर कोई फोर्स यहां से यहां तक ले जा रहा है, कोई फोर्स इसको यहां से यहां तक ले जा रहा है, तो कितना फोर्स होगा. मान लो इसके इक्वली होगा कि एफ इक्वल टू एम जी. एम जी मतलब एम जी बोल दो, एम जी ठीक है, काफी है. हमारा फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन? फोर्स F into displacement. इन टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन मान लो जीरो है, जीरो कॉमा जीरो है. फाइनल पोजीशन क्या होगा? टू आर कॉमा जीरो होगा, फिर होगा. Yes, अरे यहां से सेंटर है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, टू आर होगा ना. तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या होगा? टू आर होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो से लेके टू आर तक गया, सर टू आर डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या है मेरा? एम जी. और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? टू आर. तो क्या होगा फॉर्मूला? टू आर एम जी इज योर करेक्ट आंसर. टू आर एम जी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अच्छा, कैपिटल आर लिया तो कोई बी बात नहीं, हमने स्मॉल आर ले लिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बोलो चमका. यस सर ओके okay. जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2016 का क्वेश्चन है, 16 का क्वेश्चन है. अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट माइनस के टू आई प्लस के फाइव टू फोर जे प्लस के थ्री के व्हेन अ फोर्स ऑफ फोर आई प्लस थ्री जे न्यूटन इज अप्लाइड हाउ मच वर्क हैज डन बाय द फोर्स. कितना वर्क डन किया गया होगा फोर्स के द्वारा, ये पूछा है आंसर. पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, फिर आप एफ डॉट डी, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर दो, आंसर आ जाएगा. डू इट सम फास्ट मैनर बच्चों, थोड़ा सा फास्ट करो, वी आर डूइंग अ रिवीजन ना, थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा.
सर सी ऑप्शन। ओके, थोड़ा वेट, थोड़ा सा और वेट बाकी लोगों का भी। एक बच्चे का आया ऑप्शन सी। सर सी। दो बच्चों का आया ऑप्शन सी। बी लिम का बेटा, बी लिम का, बी लेने का आंसर सर मैं ये बोल रहा था अभी। बी आया आपका। ठीक है, कोई नहीं, कोई सर बी नहीं, दो लोगों का सी आया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सी आया। नेहा, नेहा आपका आंसर आ गया। नेहा, ऑप्शन सर मेरा आया था सी। सर मेरा आया था सी। ओके। नीलम, बी सर बी। आया नीलम। ओके ओके, चलो करते हैं इसको। देखो बच्चों, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसने दे दिया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वन दे दिया उसने, कितना माइनस के टू आई प्लस के फाइव। ज्यादा ऊपर लिखना ही नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखो आर वन आपको दे रखा है माइनस के टू आई प्लस के फाइव जे। सिमिलरली आर टू दे रखा है, फाइनल पोजिशन वेक्टर है आपका फोर जे प्लस के थ्री के। के कैप नहीं लगा रहा, थोड़ा सा कैप ज्यादा लिखने में। और एफ फोर्स वेक्टर आपको दे रखा है कितना, फोर आई प्लस के थ्री जे न्यू, ये आपको दे रखा है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फोर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई, फोर्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यस और नो। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फोर जे प्लस के थ्री, अच्छा फोर आई नहीं नहीं फोर जे प्लस के थ्री के, ठीक है ठीक है। माइनस, माइनस लगाओ ये इसको लिखो, देखो माइनस ऐसा पहले से है टू के आगे, तो ये प्लस हो जाएगा 2i माइनस, ये माइनस आगे है तो माइनस का 5j हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, देखो no, i मेरा प्लस का है तो 2i j को देखो माइनस के 5j प्लस के 4j, तो माइनस के j बचेगा, k को no, k की बात की जाए तो प्लस के 3k बचेगा। तो मेरा ये क्या आ गया, डेल्टा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को भी, फोर्स वेक्टर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया मेरा, तो अपन क्या करेंगे, फोर्स, फोर्स वेक्टर क्या है मेरा, फोर आई प्लस के थ्री जे डॉट, अगर मैं बोलू डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, टू आई माइनस के जे प्लस के थ्री के। अब आप देखो जरा, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, आई का आई के वाले के साथ फोर इंटू टू एट, अब जे का जे वाले के साथ यानी कि प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस के थ्री। अब के का यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे थ्री है, तो क्या करोगे, माइनस का जीरो प्लस का जीरो कर दो, चाहे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा, फाइव जूल इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चंगा अभी। यस सर। अब हम आते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर कोई वेरिंग फोर्स हो तो, अभी तक तो हमने सोच लिया कि कोई कांस्टेंट फोर्स है तो हमारा काम हो जाएगा, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो क्या हो, अगर वेरिएबल फोर्स है, जैसे मान लो कोई फोर्स वेरी कर रहा है, कुछ वेरी किया फिर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो एरिया अंडर द एफएक्स कर्व यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देता है आपको, वर्क डन देता है। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देता है आपको, वर्क डन देता है। तो इंट्रीएशन ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस क्या देगा, ये जो एरिया है इसका, एरिया ये है, ये जो एरिया है, आपको याद हो मैथमेटिकल टूल में मैंने बताया था कि जब किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकालते हैं तो उसका इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं। इंटीग्रेशन मतलब उस जो कर्वी एरिया होता है उसको बहुत सारे स्ट्रिप्स में काट लेते हैं और उन सभी स्ट्रिप्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, याद है
मैथमेटिकल टूल टूल वाला कॉन्सेप्ट, तो वो वाला मेथड लगाया है हमने। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा अगर हमारा वर्कडन निकालना है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एफ डॉट डी एस, इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो, करो भी। देखो ओवरऑल अपन को क्वेश्चन ही ज्यादा करने हैं क्योंकि अपन कर रहे हैं रिवीजन, तो थ्योरी थोड़ा सा कम करेंगे या फिर शॉर्ट थ्योरी करेंगे, जो जो भी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही डेरिवेशन करवाया जाएगा, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं करवाया जाएगा क्योंकि उतना टाइम है नहीं अपन के पास। आ रहा है आंसर? अ फोर्स ऑफ 3x न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 10 kg अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस वो लगा हुआ है फोर्स 10 न्यूटन का, जो 10 kg का मास है, सॉरी एफ फोर्स लगाया है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3x, यानी कि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है फोर्स। तो उन्होंने पूछा है कि वर्क डन बताओ x इक्वल टू 2 मीटर से 6 मीटर के बीच में कितना काम किया जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 6 मीटर तक एफ डॉट डी एस होगा, डी एस बोल दो या फिर डी एक्स बोल दो, डी एक्स बोल दो। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। अब देखो कि वर्क डन इक्वल टू होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 6, एफ क्या है मेरा 3x डी एक्स। अब देखो x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं? अरे 3 मेरा कॉन्स्टेंट है, 3 बाहर आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या होगा 2 से 6। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो, 3 इंटू अपर लिमिट क्या होगी 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा
अरे सिक्स का उसका क्या होगा, 36, 36, 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जरा सॉल्व कर लो, 36 में से 6, 4, 36 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 इंटू 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 से ये 16 टाइम्स कट गया, तो 16 इंटू 3 कितना हुआ, 48, 48 जूल, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 48 जूल, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, डी बी सॉरी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। अब इसका रिटन फॉर्मेट भी दे देता हूँ आपको, है अगर वो समझ में ना आए तो। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, द फोर्स दे रखा है आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वो करवाया है कि आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खुद करो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खुद करोगे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आएगा, एटलीस्ट आपको वहां पे एक्स एक्सिस बोला था, इसने वाई एक्सिस बोला है, अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, एफ फोर्स इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू वन मीटर, जीरो मीटर से वन मीटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा उसको, अगर फोर्स वेरिएबल है आपका ये वाला, करो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, जो मैंने अभी करवाया है क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस ये समझ लो कि कुछ ये प्रीवियस ईयर है, कुछ वैल्यूज में चेंज है, बस कंसेप्ट वही है, उड़ा दो भाई। दीक्षा कुछ बोलना चाह रही है, दीक्षा आरुषि का डी आया है, अच्छा दीक्षा का भी डी आया है, ओके वेट फॉर अदर्स, दो बच्चों का डी आया है, अपना आंसर निकाले, हो सकता है दोनों का गलत हो, मे बी पॉसिबल दोनों का गलत हो, अपना आंसर खुद से आंसर जो निकला है वही आंसर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका गलत भी आता है तो। बी लिम्का का देखो अलग आया है, ऑप्शन बी आया है बी लिम्का का, तो हो सकता है बी लिम्का का सही हो या फिर उन दोनों का सही हो, बी लिम्का का गलत हो, तो जो आपका खुद का आंसर आए वही बताया करो हमेशा, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। अच्छा मुस्कान का भी बी ऑप्शन आया है, दो बच्चों का बी आ गया, दो का डी आया, टक्कर में बात चल रही है भाई, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, चार बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, आई थिंक इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है देखो, अब अपन को फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स दे रखा है, 20 प्लस 10 वाई, इसको हटाते हैं यहां से, एफ इक्वल टू दे रखा है 20 प्लस, अरे यार ये क्या हो रहा है हर बार, 10y, ये आपको फोर्स दे रखा है, अब अलोंग y डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, y डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं वर्क डन मेरा क्या होता है, फॉर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो से लेके y इक्वल टू वन, तो क्या होगा एफ डी वाई, वाई डायरेक्शन में एफ डी वाई कर, ठीक है कोई दिक्कत किसी को यहां तक है भाई, नो सर, ठीक है, अब जरा देखो इंटीग्रेशन जीरो से, वाई को हटा देता हूं, जीरो से वन, एफ क्या मेरा 20 प्लस 10 वाई
डी वाई। अब देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है मेरा एक्स एन सॉरी एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस, या फिर अगर मैं और इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जैसे कि मैंने 20 बोलो वन वन बोल दूं तो वन का इंटीग्रेशन होगा मेरा एक्स हमेशा, अगर डीएक्स है इसके साथ में तो एक्स होगा, अगर कुछ और होता तो वाई होता तो वाई होगा। तो अगर आप बोलो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 20 का इंटीग्रेशन होगा 20y प्लस 10y का इंटीग्रेशन होगा 10y स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 से 1। कोई दिक्कत किसी को भाई है भाई, नो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर। ठीक है, अब जरा क्या मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं कि 20y प्लस नो 5y स्क्वायर 0 से 1, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दो। अपर लिमिट वन वन रखो टू वाई की जगह पे, 20 इंटू वन माइनस सॉरी प्लस प्लस इंटू वन इंटू वन का स्क्वायर इंटू वन का स्क्वायर माइनस माइनस 20 इंटू जीरो माइनस, भाई लोअर लिमिट भी तो करते हैं, 5 × 0 का स्क्वायर, तो ये सब कुछ तो 0 हो जाएगा कि नहीं? क्या होगा 20 प्लस 5 तो कितना होगा 25 जूल। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका अभी। यस सर। ओके अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मान लो या फिर रेस्ट पे है, अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाता हूं, अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाता हूं तो किया गया जो वर्क है वो इक्वल टू होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया तो ये फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, उस वर्क की वजह से इस एस डिस्प्लेसमेंट में इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वी। तो ये कहना चाहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कहना चाहती है कि जो मैंने कितना वर्क किया ये निकालने के लिए आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल, कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही मैंने एक उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। बोलो क्लियर है? तो जैसे मैं बोलूं कि वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, और एस को एफ को क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, फोर्स इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से न्यूटन सेकेंड लॉ। यस सर। बोलो ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया, तो इसे एम को तो कॉन्स्टेंट, ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को देखो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो क्या लगा सकता हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ए की जगह पे ये पुट कर दिया, सॉरी वी स्क्वायर वाली, अच्छा वी स्क्वायर वाली से पुट किया, चलो इससे हटा दें, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए, ठीक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, यहां से ऐसे करके ये लगा दो तो वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एस, तो यहां से मैंने ये एस निकाल के सॉरी ए निकाल के एस के टर्म में, क्योंकि यहां पे एस है तो एस के टर्म में निकालते हैं जिससे कि एस से एस कैंसिल हो जाए, ये जुगाड़ लगाई थी। हमारा वर्क डन क्या आएगा कि एम वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, अब जरा इनको सेपरेट कर दो, जरा इस टू को आगे ले आओ, वी स्क्वायर को अलग डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर को अलग मल्टीप्लाई कर दो, करो जरा, तो मेरा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं है बोलो, है भाई? तो मेरा प्रूफ हो गया कि जो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होता है, और अगर मेरा वेरिएबल फोर्स आ जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। बोलो चमका अभी। यस सर। ठीक है, अगर चमका तो फिर इस क्वेश्चन को करो, करो भाई ये क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन, नीट 2021 का क्वेश्चन है, टेक योर टाइम,
बट करो, ट्राई करो सब लोग, भले ही गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर, करो ट्राई सब लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार और। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस, किसी एक एस हाइट से उसको रिलीज किया गया है। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगी। फ्रॉम एस, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस से ही रिलीज किया गया है। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के 3 times है। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उसने बोला है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, mgh। उसने बोला है देखो, मान लेते हैं कि हमारा ये कोई अर्थ सरफेस है, यहां से कोई ऐसा हाइट है, यहां से कोई बॉल फेंकी गई है, ये हाइट उसने दे दी एस, एस हाइट से फेंकी गई है। अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, मान लो कि कहीं भी मान लो इस हाइट पे, फॉर एग्जाम्पल इस हाइट पे उसने क्या बोला है, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो माना कि ये हाइट है मेरी x, x हाइट है, इस पॉइंट पे उसने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी मेरी इक्वल टू है 3 times ऑफ पोटेंशियल है, ये बोला है उसने, काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से रिलीज किया गया है, इसका मतलब u इक्वल टू जीरो हो, फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द सर्फेस अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, इस टाइम पे बोला है उसने कि इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि v पूछा है उसने, तो और पूछा है कि ये जो हाइट है ना s, ये कितनी होगी, इस x, x और s में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप करोगे। देखो कि टोटल एनर्जी मेरी कंजर्व रहने वाली है, टोटल एनर्जी बोलू मैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मेरी टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। ऑप्शन सी आ रहा है एक बच्चे का, ठीक है, मनीषा का ऑप्शन सी आया है, वेट फॉर दस। मैं हिंट दूं, आप ट्राई करो टोटल एनर्जी का, माना कि यहां पर जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, यहां पर भी मेरी टोटल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी, और यहां पर मतलब टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कंसेप्ट जरा ट्राई करो थोड़ा सा, तब शायद कुछ बात बन जाए। जी।
ओके ठीक है, चलो इसका आंसर क्वेश्चन मैं करवाता हूं इसको, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको मान लेते हैं चलो पॉइंट ए, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लिया और उसको बी मान लिया। एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या है भाई बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, जीरो होगी कि नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यू मेरा जीरो है ना, इनिशियली स्पीड जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो होगी, तो क्या होगी एम जी एस होगी कि नहीं होगी टोटल एनर्जी, बोलो या फिर बोलो इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। देख टोटल एनर्जी मैंने ए पॉइंट पे बोला, चलो ए टोटल एनर्जी तो वैसे हर पॉइंट पे सेम होगी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब अभी आगे आएगा, वैसे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी मेरा कंजर्व होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की बात करें तो मेरा टोटल एनर्जी यहां पे कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहां पे, नहीं पता भाई कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मुझे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो इस पॉइंट इस टाइम इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स है कि नहीं है, बोलो। और टोटल एनर्जी मैंने कितनी निकाली, एम जी एस निकाली है, तो एम जी एस इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एम जी एक्स, कोई दिक्कत किसी को है भाई, तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया तो एक्स कितना आ गया, एस वाई फोर, तो मेरा एक आंसर तो आ गया। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या निकालना है अपन को, स्पीड निकालनी है, इस पॉइंट पर मेरे को स्पीड निकालनी है, इस पॉइंट पर अगर मैं स्पीड निकालना है मेरे को, तो क्या है काइनेटिक एनर्जी एट बी पे ही चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मेरी थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, अरे बोलो एम जी एस, अरे एम जी एक्स है ना, इस जगह पे एम जी एक्स है, अब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू एम जी इंटू एक्स की जगह क्या रख दूं, एस वाई फोर, देखो एम से तो एम उड़ गया, टू से ये टू टाइम्स चला गया, तो क्या बचा मेरे को निकालना क्या है, वी निकालना है, तो देखो वी स्क्वायर मेरा आ रहा है यहां पे, देखना जरा थ्री जी एस बाई टू, क्या यही आ रहा है थ्री जी एस बाई टू, तो वी कितना आएगा अंडर रूट में थ्री जी एस बाई टू, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देखो यार एक ये आंसर एस वाई फोर एंड थ्री जी रूट थ्री जी एस वाई टू, ऑप्शन डी मैच कर रहा है क्या सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, बोलो चमका सबको, यस सर, है भाई ठीक सर, ऑप्शन बी, अब आप होमवर्क क्या बेटा, ऑप्शन बी भी सेम होमवर्क था, ओके चार क्वेश्चन है आपके होमवर्क में और तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन ये हैं, आठ क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आठ क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोमेंटम से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मोमेंटम मोमेंटम हमने सेकंड लॉ पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में, 800% मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना रिलेट करेगी कैसे करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में रिलेशन आपको कई बार वैसे मैंने बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है भाई, पी इक्वल टू एम वी होता है कि नहीं होता है,
अरे होता है कि नहीं, पी इक्वल टू एम वी, यस तो मोमेंटम मेरा होता है पी इक्वल टू एम वी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, एम का मल्टीप्लाई कर दो, एम का डिवाइड। सर तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एम, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट में जो एम वी है इसको पी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बोलो। तो ऊपर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन टू एम। आपको याद हो तो ये वाला फॉर्मूला मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट किया था उस टाइम पे भी किया था ये फॉर्मूला ट्राई, कई बार कर चुका हूँ इस फॉर्मूले को ट्राई। तो के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा आज? So what is work? वर्क Formula पढ़ा of हमने, work. वर्क डन के बारे में देखा, और वर्क एनर्जी थ्योरम देखी, और क्या देखा, और क्या किया भाई, क्वेश्चंस Thermal किए। तो कोई डाउट आज की क्लास में, कोई No sir. दिक्कत? ऑल क्लियर है? यस सर। सो ठीक है वर्क फिर एनर्जी बच्चों। थ्योरम बता दो। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम बता दो, बिल्कुल 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 बताएंगे भाई। कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहना चाहती है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा के वर्क करना चाहता हूं, और मान लो कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है या रेस्ट में है, इट डजंट मैटर। अगर वो रेस्ट में है तो मान लो मोशन करना स्टार्ट कर दे, या फिर मोशन में है मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, अगर रेस्ट में होता तो यू इक्वल टू जीरो मान लेंगे, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और मैंने फोर्स लगा के कुछ वर्क किया, उस वर्क डन जो होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है मैंने जो वर्क किया है वो वर्क डन निकालने के लिए मेरे को पता करना होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसी के इक्वल वर्क होगा। यानी कि फाइनल वेलोसिटी मान लो वी हो गई और इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कर दूं तो मैंने कितना वर्क किया है उस ऑब्जेक्ट पे वो आ जाएगा। ये है आपकी वर्क एनर्जी। आई बात समझ में? यस सेम टू सेम अप्लाई कर दोगे वेरिएबल फोर्स के फोर्स पे भी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर है बेटा? ओके देन, ओके देन, फिर मिलते हैं बच्चों आपको कल, कल की क्लास है ना आपकी, एक क्लास है कल आपकी, ठीक है? ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय, यू वेलकम एवरीवन, यू वेलकम।